ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 11 अप्रैल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 11 अप्रैल 1827 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 11 अप्रैल 1827 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 11 अप्रैल 1827 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 10 अप्रैल 1827 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। ब्राइटनेस कम आ गई तो मूल निवासी साथियों, आज का दिन 11 अप्रैल हमारे मूल निवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कि आज ही के दिन हमारे ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, SC ST OBC के लिए ज्ञान का दरवाज़ा खोला था। उन्होंने कितना कष्ट झेला था, उनका जीवनी तो बहुत बड़ी लंबी लंबी जिंदगी है, और इतने महान पुरुष थे वो कि उनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान लोग अपना गुरु माना, जिनका नाम था ज्योतिराव फुले। इन्होंने बचपन में बहुत कष्ट सहते हुए एक माली जाति से, ओबीसी से, माली जाति से थे, और बचपन में बहुत कष्ट सहते हुए इन्होंने अपने स्कूल के शिक्षा थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, और एक ब्राह्मण दोस्त इनका था जिसके बारात में इन्होंने बारात गए, और बारात जाने के बाद इनको वहाँ सारे ब्राह्मणों द्वारा इनको अपमानित करके बारात से भगा दिया गया, और भगाने के बाद इन्होंने अपमानित महसूस किया। अपमानित होने के बाद इन्होंने जब अपने घर पर आए, रात भर इनको नींद नहीं आया, सुबह में उठ करके बीच मतलब जंगल की ओर चले गए और खोज करने लगे कि आखिर भाई हमको क्या कमी है जो हमको इतनी बड़ी प्रताड़ना दिया गया, जिससे हम प्रताड़ित हुए, हमको अपमानित किया गया, बारात से हमको भगा दिया गया। वहाँ जाने के बाद इन्होंने खोज करते करते इनको पता चला कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया हूँ तो हमको इतना अपमान महसूस हुआ, लेकिन ये क्या कारण है जो हमको अपमानित किया गया। तो इनको दिन के दोपहर जब हुआ तो इनको देखे कि कुछ लोग रास्ते से जा रहे हैं, उनके गले में हांडी टंगा हुआ था और कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, पैर में घुंघरू बना हुआ था। इन्होंने पूछा, ये भाई रुको रुको रुको, उन्होंने रुका और पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रोका हमको। इन्होंने कहा जे तुम अभी इस दोपहर में क्यों निकला है। तो उसने जवाब दिया कि मैंने दोपहर में इसलिए निकला हूँ कि हमको दोपहर में ही निकलने का उपाय है, क्योंकि सुबह निकलेंगे तो हमारी परछाई लंबी हो जाएगी, शाम निकलेंगे हमारी परछाई लंबी हो जाएगी, हमारी परछाई किसी ब्राह्मण देवता पर पड़ता है तो ब्राह्मण देवता अछूत हो जाएंगे, इसलिए हमको निकलने का समय ये दोपहर ही है, और जब नहीं निकलेंगे तो हमको खाना पीना मिलेगा कहाँ से, और खाना पीना भी मिलता है तो हमको मरा हुआ जानवर का मांस मिलता है। और बड़ा मस्ती में गाना गाते हुए जा रहा था। तो ज्योतिबा फुले सोचे कि इतना अपमान झेलने के बावजूद भी गाना गाते हुए जा रहा है, क्या कारण है भाई। तो फिर पूछे कि बताओ कि तुम्हारे गले में हांडी क्यों टंगा हुआ है। तो उसने जवाब दिया कि कैसा बेवकूफ़ से पला पड़ गया, ये इसको पता नहीं है कि हमारे पूर्वज का परंपरा है, ये गले में हांडी नहीं टांगेंगे तो हम जमीन पर थूक भीगेंगे तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा, और हमारे बाद किसी ब्राह्मण देवता अगर आते हैं तो उस जमीन पर उनका पैर पड़ेगा तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए हमको थूक भी भीगना है तो इस गले के हांडी में फेंकना है। कमर में झाड़ू के बारे में पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आगे आगे जाऊँगा तो मेरा पैर का निशान जमीन पर न छूटे, इसलिए ही पैर का निशान मिटाते जाएगा। तो ज्योतिबा फुले सोचे कि इतना भारी अपमान होने के बावजूद भी
ये हंसी खुशी जा रहा है, गाना गाते हुए जा रहा है, क्या कारण? तो उन्होंने खोज करना शुरू किया कि आखिर क्या कारण है कि ये गाना गाते हुए जा रहा है। तो खोज करते करते अंतिम निर्णय पर पहुँचे कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं तो हमको केवल शूद्र कह दिया तो हमको इतना बड़ा अपमान महसूस हुआ, और इसको पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा के अभाव है इसके पास, इसलिए इसको ग्लानि महसूस नहीं हो रहा है। उसी समय ज्योतिबा फूले एक कोटेशन लिखे कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना बीत गया, और बीत गया तो शूद्रों का विनाश हो गया। उसी समय से ज्योतिबा फूले मन में ठान लिए कि मैं शिक्षा आरंभ करूंगा और शूद्र अति शूद्र के लिए शिक्षा के दरवाज़ा खोलूंगा, मैं उसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जब पढ़ाना शुरू किया तो किसी ब्राह्मण के दबाव में आकर के उनके पिताजी उनके घर से निकाल दिया गया, और घर से निकाल दिया गया। फिर जा कर के ही घर से निकलने के बाद जब जा रहे थे किसी दूसरे गांव में तो वहां एक फातिमा शेख नाम के महिला इनको रोक लिया और कहा कि तुमको रोकेंगे और रखेंगे उसी शर्त पर जब तुम शिक्षा देने का कार्यक्रम तुम अपना बंद नहीं करेगा। तो ज्योतिबा तो सोच भी तो वही रहे थे कि भाई हमको काम भी तो वही करना है। तो फातिमा शेख नाम के महिला इनको जगह दिया और वहाँ इन्होंने विद्यालय खोला 1848 में, और उसी समय से हमारे शूद्र अति शूद्र के बच्चे लोग विद्यालय में जाके पढ़ने लगे। फिर इन्होंने सोचा कि मैं केवल पढ़ लूँगा, हमारा समाज केवल पढ़ लेगा, लेकिन 50% महिला जो गुलाम है जब तक वो नहीं पढ़ेगी तब तक हमारा समाज आज़ाद नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने विद्यालय में अपने पत्नी सावित्री बाई फूले को पढ़ा करके और 4 साल पढ़ाने के बाद उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी 1852 ईस्वी में महिलाओं के लिए भी विद्यालय खोलने का काम इन्होंने किया, और पति पत्नी मिल करके हमारे लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारे SC ST OBC के लिए और तमाम महिलाओं समाज के लिए शिक्षा के दरवाज़ा खोला। और इनका मतलब गथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, अगर बोलेंगे तो घंटों बोल सकते हैं, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और हम लोग इस कार्यक्रम को अपने घर पर इसलिए करते हैं कि लॉकडाउन के वजह से पूरे देश में सार्वजनिक स्थल पर लंबा चौड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग अपने अपने घरों में करते हैं, अपने अपने परिवार के सामने में करते हैं। और मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ।